नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की जो मेरिट लिस्ट जारी करी जाती है उस पर चल रही एक कंट्रोवर्सी के बारे में। 4 जनवरी को यूपीएससी ने इस एग्जाम का यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम का वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट जारी किया और इस वेटिंग लिस्ट में यह देखा गया कि ज्यादातर कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के थे। 73 जनरल, 14 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कोई भी नहीं। तो इसको लेकर एक आउटरेज हुआ कि यहां पर क्या यूपीएससी कुछ गड़बड़ कर रहा है, यहां पर जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया है वो फॉलो क्यों नहीं किए जा रहे हैं इस लिस्ट में। और साथ ही साथ जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी डॉटर का भी सिलेक्शन हुआ है इसी वेटिंग लिस्ट के थ्रू, तो क्या वो गलत है सही है, ये सारी आउटरेज चल रही थी। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है कि एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है और साथ ही साथ इस वेटिंग लिस्ट में इतने ज्यादा जनरल कैटेगरी के नाम ही क्यों देखे गए हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। स्टडी आईक्यू यूपीएससी स्मार्ट कोर्स लेकर आया है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना नाम इसी यूपीएससी मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं। तो अगर आप इस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप इस कोर्स को अवेल कीजिए और इस कोर्स की मदद से आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। आपको किसी महानगर शिफ्ट होने की आवश्यकता नहीं है और इस कोर्स के कई फीचर्स हैं जो आप हमारी ऐप पर अवेल कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप और अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप studyiq.com विजिट करके वहां पर वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली किस एग्जाम के बारे में है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019। आप मोस्टली एस्पिरेंट्स ही होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, तो आपको पता होगा कि 2019 का एग्जाम 2020 में जाकर खत्म होता है। रिजल्ट आया था अगस्त 2020 में और उसमें फाइनल लिस्ट जो आई थी अगस्त में उसमें 829 कैंडिडेट्स थे जबकि वैकेंसी निकाली गई थी 927। तो उस समय भी लोगों ने आपत्ति उठाई थी कि भाई साहब जब एडवर्टाइजमेंट में 927 वैकेंसीज एडवर्टाइज था तो 829 फाइनल लिस्ट में नाम क्यों है। तो यूपीएससी ने तब भी ये बात कही थी कि वेटिंग लिस्ट आएगी बाद में और उसमें ये वाली जो बाकी की वैकेंसीज हैं ये कंप्लीट कर दी जाती हैं। ओके, तो ये कंप्लीट लिस्ट नहीं आने पर तब भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसीजर है। जो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है वो शायद इतना ज्यादा नहीं जानते हैं। तो उस समय जब ये मेरिट लिस्ट आई थी तो आपको मालूम ही होगा कि आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विसेज इन सब में अलॉटमेंट होता है। सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये सभी शामिल हैं। टोटल 23-24 सर्विसेज हैं जिनमें अलॉटमेंट किया जाता है। तो यूपीएससी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया था उस समय भी, जस्टिफाई किया था अपना एक्शन और उन्होंने ये कहा था कि हम ये पूरी लिस्ट इसलिए जारी नहीं करते वैकेंसी जितने नंबर्स की लिस्ट, ताकि रिजर्व कैंडिडेट्स, रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को फायदा मिल सके। वो फायदा किस तरह से मिल सकेगा अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। तो देखो, 4 जनवरी को उसी एग्जाम की, अगस्त वाले रिजल्ट की वेटिंग लिस्ट जारी करी गई। इस वेटिंग लिस्ट में 89 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और इनमें 73 जनरल है। अब आपको सोच, आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 50% रिजर्वेशन, मतलब 50% रिजर्वेशन है तो 50% जनरल कैंडिडेट्स होने चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 45 जनरल कैंडिडेट्स होने चाहिए थे जबकि 73 जनरल कैंडिडेट्स हैं, 14 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस एंड 1 शेड्यूल कास्ट। तो क्या यहाँ पर रिजर्वेशन के क्राइटेरिया फॉलो नहीं किए गए हैं, ये आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले याद रखिए यूपीएससी के हमारे स्मार्ट कोर्स पर अभी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रिपब्लिक 10 कोड यूज करते हैं रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में जो कुछ ही दिन में आने वाला है। हमारी एक सेल ऑनगोइंग है तो इस सेल का फायदा अगर आपको उठाना है तो आप रिपब्लिक 10 कोड को इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए ये कोड केवल 26 जनवरी तक अवेलेबल है और इसमें आपको एग्जिस्टिंग 50% के उपरांत 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक और एंगल ये था कि इस लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की जो डॉटर हैं उनका भी नाम था। तो लोगों ने यहां पर ये बात कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर कि इनका सिलेक्शन ऐसे ही हो गया है, ये तो लोकसभा स्पीकर की डॉटर है, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में किसी का भी सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है कि कोई मंत्री का बेटा है और वो सिलेक्ट हो जाए आईएएस बन जाए। अगर ऐसा होता तो आप खुद देख लेना कि सारे मंत्रियों के बच्चे आईएएस होते, लेकिन ऐसा है नहीं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो ये बहुत खुशी की बात है कि किसी सीनियर मिनिस्टर या सीनियर एमपी की डॉटर या सन ये सोच रहे हैं कि हमें ब्यूरोक्रेट बनना है, वी वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। इट इज अ वेरी गुड थिंग। जनरली नेताओं के बच्चे इस तरह से नहीं सोचते, जहां तक एक कॉमनली हम देखते हैं वो या तो बिजनेस है या फिर पॉलिटिक्स है उसमें जाना प्रेफर करते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग दैट नेताओं के बच्चे भी ब्यूरोक्रेसी में आना चाह रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से तो कुछ भी गलत नहीं है, उन्होंने मेहनत करी होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। और उनका नाम अगर वेटिंग लिस्ट में आया तो डेफिनेटली शी हैज गिवन द एग्जाम, शी हैज स्कोर्ड द मार्क्स जो जरूरी हैं उस लिस्ट में आने के लिए। अब यूपीएससी की फाइनल लिस्ट बनती कैसे है? देखो, 3 स्टेज होते हैं इस एग्जाम के, प्रिलिम्स और मेंस।
इंटरव्यू एक अलग स्टेज नहीं है, याद रखना। मेंस के दो स्टेज होते हैं, एक होता है रिटन पेपर, जो 9 रिटन पेपर होते हैं, और फाइनली एक इंटरव्यू देना होता है। इनके मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये जो एग्रीगेट मार्क्स हैं इंटरव्यू प्लस मेंस के, इनके बेसिस पर ये लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन यूपीएससी क्या करता है कि वो जो मेंस के जो 9 पेपर्स आप लिखते हैं रिटन वाले, उनमें एक फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए जाते हैं कि इससे कम अगर आपका आया है तो आपको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यूपीएससी का रूल ये कहता है कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए इस क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है अगर यूपीएससी चाहे। उसके बाद एक और यहां पर पॉइंट है जो आपको समझना होगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिन्होंने कहीं पर भी कंसेशंस का फायदा नहीं लिया है एग्जाम के किसी भी स्टेज पे, कोई रिलैक्सेशन जैसे कि एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन का फायदा नहीं लिया है, तो उनको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स क्रॉस करने पर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो आपने दूसरे कंसेशन ना लिए हो जैसे कि एज रिलैक्सेशन एटसेट्रा, वो आपने नहीं लिया हो किसी भी स्टेज पर एग्जाम के, और दूसरा आप जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है जो सेट किया गया है उसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड ऑन द अनरिजर्व्ड सीट। ओके, लेकिन अब इस रूल से प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो इतनी सारी सर्विसेज हैं, 22-24 सर्विसेज जिनमें अलॉटमेंट होता है, वहां पर आगे प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये वाले जो कैंडिडेट हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी को बिलोंग करते हैं लेकिन जनरल सीट पर सिलेक्ट हुए हैं, इनको हायर सर्विसेज नहीं मिलेगी। इनको जनरल कैटेगरी में, अगर ये मान लो जैसे 500 रैंक है, अब 500 रैंक पे अगर जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन है तो अब आईआरएस के आसपास मिलती है सर्विस, या आईआरएस या दूसरी कोई सर्विस मिलेगी। लेकिन अगर यही रैंक मान लो आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में है तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि आईएएस या फिर आईपीएस मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का है और ही इज सिलेक्टेड ऑन अ जनरल कैटेगरी सीट, तो फिर 500 रैंक पर आईएएस या आईपीएस तो नहीं मिलेगा, ये तय है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स में अमेंडमेंट किया था 2004 में। इन्होंने कुछ नए सब रूल्स ऐड किए थे और इसके कारण ये फायदा हुआ कि जो लोअर रैंक भी है लेकिन वो सिलेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरी के मार्क्स को क्वालिफाई करके, दैट पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू अ रिजर्व कैटेगरी, ही और शी कैन सिलेक्ट अ सर्विस ऑफ देयर चॉइस। तो इनको सर्विस सिलेक्शन में थोड़ा प्रेफरेंस मिल गया। इस रूल को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 2010 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश राम एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अमेंडमेंट्स वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अमेंडमेंट रह सकते हैं। तो अभी रूल 16(1) ये कहता है सिविल सर्विसेज एग्जाम का कि जो भी व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से है लेकिन वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है तो फिर जनरल कैटेगरी वाले से सिलेक्शन हो सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें सर्विस मिलेगी लोअर। अब वो लोअर या हायर हमारी नजरों में है, भारत सरकार की नजरों में नहीं होता है। लेकिन रूल 16(2) फिर बनाया गया कि ऐसे एस्पिरेंट को, कैंडिडेट को ये चॉइस दी जाएगी कि वो रिजर्व कैटेगरी के अनुसार सर्विस को सिलेक्ट कर सके, तो उसको सर्विस सिलेक्शन में फायदा मिल जाएगा। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करते हैं जनरल कैटेगरी सीट्स पर, उनको ये चॉइस दी जाती है कि वो जनरल से रिजर्व कैटेगरी में मूव कर जाएं ड्यूरिंग सर्विस एलोकेशन। लेकिन इससे दो प्रॉब्लम हो जाती है। पहली चीज कि जनरल कैटेगरी में, जनरल लिस्ट में वैकेंसी आ जाती है क्योंकि वो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से सर्विस एलोकेशन के समय मूव कर गया रिजर्व कैटेगरी में, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर लोगों की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि आपने एग्जाम में अगर एडवर्टाइज किया था कि 1000 वैकेंसीज हैं और अगर रिजर्वेशन 22.5% है तो यानी कि आप 225 से ज्यादा सीटों पर नहीं ले सकते। शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब इट कैन नॉट बी मोर देन 22.5%, तो वो उसके ऊपर चला जाता है अगर नंबर, तो ये यूपीएससी के लिए एक प्रॉब्लम है ना। तो ये अगर बेटर सर्विसेस के लिए रूल बनाए गए हैं तो उसके कारण जनरल कैटेगरी के अंदर पीछे वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी, लेकिन इसका उल्टा बहुत रेयरली होता था, तो इसीलिए रिजर्व कैटेगरी के अंदर कभी भी वैकेंसी क्रिएट नहीं होती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूपीएससी ने क्या करना शुरू किया, वेटिंग लिस्ट निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या करा कि अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 का नाम एक साथ मत निकालो, पहले 900 को निकालो, फिर उसमें ये जो चेंजेस होने हैं, रिजर्व से अगर कोई जनरल में जा रहा है फिर वापस सर्विस एलोकेशन के समय जनरल से रिजर्व में आ रहा है, तो ये सब पूरा होने के बाद ये लास्ट के 100 रैंक्स हम रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फिर पीछे चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि देखो जितनी जनरल में वैकेंसी है या जितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उस अनुसार फिर ये लास्ट के 100 लोग लिए जाएंगे। अगर यूपीएससी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेगा तो उसको ये इंतजार करना पड़ेगा कि कोई रिजर्व कैटेगरी में
अपनी सीट छोड़ ही दे, वो सीट ज्वाइन ही ना करे, वो सर्विस ज्वाइन ही ना करे। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है, केवल दो कंडीशन में होता है, या तो कोई ऑलरेडी हायर सर्विस में है, उसकी रैंक पीछे आ गई तो वो वेकेट कर देगा, उस रैंक को यूज नहीं करेगा, सर्विस ज्वाइन नहीं करेगा, या फिर मान लो किसी को ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विस मिल रही है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, और साथ ही साथ वो व्यक्ति अपने स्टेट सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर फॉरेस्ट या पुलिस सर्विस उसको मिल रही है, तो फिर ऐसी केसेस में कुछ एस्पिरेंट्स छोड़ देते हैं इस सर्विस को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो अब ये रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को पार करके, तो उसका सिलेक्शन काउंट तो जनरल कैटेगरी में हो रहा है, लेकिन अगर वो सर्विस एलोकेशन के वक्त वो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में फिर से चला जाता है, तो उससे क्या होगा, जो रिजर्व कैटेगरी में नीचे की रैंक वाला एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, वो बाहर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर 225 है, और अगर यहां पर 225 से ऊपर तो जा नहीं सकते हो, लेकिन अगर यहां 20 लोग भी शामिल हो गए जनरल से फिर से रिजर्व कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, तो जो ये पीछे के 25 लोग हैं या 20 लोग हैं, इनको लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा, दे हैव टू गो आउट। तो ये अब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि फिर ये 20 लोग केस कर देंगे यूपीएससी पे कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया था और हमें बाहर कैसे कर दिया गया। तो इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूपीएससी ने एक साथ 1000 लोगों का रिजल्ट निकालना बंद कर दिया, उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट निकालने का फंडा शुरू कर दिया था। तो ये 4-5 महीने का समय है जब तक सर्विस एलोकेशन पूरा हो जाता है, इस समय तक ये सारा जो चेंजेस होना है, किसी को मूव करना है अपनी कैटेगरी को, तो ये सब काम हो जाता है, उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट निकालते हैं ताकि ये लिटिगेशन से बच सके, यूपीएससी कोर्ट केस से बच सके। अब इस पूरे गणित का सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन एक ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कि एक अलग एग्जाम कर दिया जाए हर सिविल सर्विस के लिए। क्योंकि होता क्या है, ये चेंजेस मेनली सर्विस एलोकेशन के कारण है, किसी को कोई सर्विस नहीं चाहिए या फिर इस सर्विस से उस सर्विस में जाना है, तो वो कैटेगरी के अनुसार बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो बेस्ट तो यही रहेगा, इसका आइडियल सॉल्यूशन यही होगा कि आईएएस का अलग एग्जाम कर दो, आईपीएस का अलग कर दो, हर एक का अलग होना चाहिए, लेकिन वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। या फिर सर्विसेज को रीग्रुप कर दिया जाए कि कैटेगरी ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी, इस तरह से उनको रीग्रुप किया जा सकता है। और एक और है कि अलॉट किया जाए सर्विसेज को बेस्ड ऑन द पॉइंट्स स्कोर्ड इन ट्रेनिंग, यानी कि ये सर्विस एलोकेशन रैंक के अनुसार ना हो, प्योरली बेस्ड ऑन ट्रेनिंग स्कोर हो। तो वैसे 2 साल पहले ये निर्णय ले लिया गया था कि आप जो ट्रेनिंग में मार्क्स लेकर आ रहे हैं उसके बेसिस पर वो भी काउंट होगा अलॉटमेंट में, लेकिन अभी उसका वेटेज काफी कम है, 10% के आसपास है, पूरा नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगाओ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।